तारक नाम सभी समय बोलो सत्य ओम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरुजी आशीर्वाद। गुरुजी एक भक्त का प्रश्न आया था, क्योंकि वो साधना से रिलेटेड था। पहले वो हनुमान चालीसा पढ़ता था और इस तरीके की अनेक साधनाएं भी करता था। तो उनका प्रश्न ये था कि जैसे उन्होंने साधना की या कोई भी चालीसा पढ़ी, मंत्र पढ़ी, तो उससे उन्हें लाभ तो मिला लेकिन मनचाहा नहीं मिला, चाहे वो सिद्धि को लेकर हो या व्यक्तिगत हो। और जब उन्होंने सत्यम सिद्धाय नमः महामंत्र का जप करा और रेही क्रिया योग किया तो उन्हें ज़्यादा लाभ मिला। तो प्रश्न ये था कि क्या ये लाभ जब तक मिलता है जब तक स्वामी जी हैं, क्योंकि स्वामी जी इसके फाउंडर हैं तो उसके पीछे वो वर्क कर रहे हैं। और ऐसा ही एक प्रश्न हमारे गुरु भाई अमरदीप भैया का था, उनका ये कहना था जैसे हम रेही क्रिया योग करते हैं या मंत्र जप करते हैं, तो क्या हम पे जो कृपा होती है वो आपके होने से होती है या आपके जाने के बाद भी वो उतनी ही प्रभावी होगी, क्योंकि हम रही क्रिया योग कर रहे हैं इसलिए कृपा हो रही है, तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं। पहली बात तो ये जान लें, कोई सिद्ध जाता नहीं है, क्योंकि सिद्धि अवस्था है परफेक्ट। परफेक्ट की परिभाषा मैं जैसे सिद्ध की जो परिभाषा है वो अवतार से भी कनेक्शन है, अवतार ही सिद्ध होता है। और जब उस पंथ में और सिद्ध होते हैं वो केवल उसके सिद्धि के फॉलोअर होते हैं। तो वो है क्या कि जो अवतार है वो सोलह कला लिए हुए आता है, सोलह कला लिए के आएगा डेवलप होगा, और उसकी हर आर्ट सोलह कलाएं जो हैं उसके भी और डिस्ट्रीब्यूशन होती वो संसार में फैले दिखाए। जैसे मान लो तू चित्रकारी करता है, तो तू चित्रकारी तेरी जब शक्ति पात होगी तो तेरी चित्रकारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लाइमैक्स पहुँच जाएगी। मान लो शायरी करता है तो इसकी शायरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पहुँच जाएगी। मान लो तू पहलवानी करता है तो तेरी पहलवानी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पहुँच जाएगी। कोई रईस होना चाहता वो रईस हो जाएगा बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि कोई राजा होना चाहता राजा। तो ऐसे करके सोलह कलाएँ आती हैं, क्योंकि सिद्ध जो है, जो अवतार है, जो फाउंडर है, वो तटस्थ होता है। है तटस्थ का मतलब वो खुद अपनी शक्ति बांट के उनके माध्यम से कार्य सिद्ध करता है। अगर वो ही खुद काम करने लगेगा तो लोगों में एक ऐसा लगेगा कि ये तो यही सिद्ध है, हमें क्या फ़ायदा हुआ ये, तो ऐसा अक्सर देखोगे। और यही चीज़ होती है कि बहुत से जो बाबा होते हैं उस समय तो सिद्ध होते हैं, उसके बाद उनके फॉलोअर घटते चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वो केवल क्या है, वो पूरे पूर्ण जन्म के कारण उनकी तपस्या का थोड़ा बहुत प्रकाश है बस। लेकिन फाउंडर में, फाउंडर के साथ क्या होता है, उसकी ध्यान की विधि बिल्कुल अलग होगी, उसका मंत्र बिल्कुल अलग होगा, उसकी बातचीत तरीका अलग होगा, वो किसी को फॉलो नहीं करता, फॉलो उसको करते हैं लोग बाग। पहली बात ध्यान रखें ये, वो किसी भी उसमें पैदा हो, किसी भी धर्म में, कहने का मतलब जो पीछे से चलता आ रहा, हिंदुज़्म हो, क्रिश्चन हो, मुस्लिम हो, किसी में, लेकिन उसका उनसे स्वतंत्र होगा और फिर उसके स्वतंत्र फॉलोअर बन गए और फिर फॉलोअर फैलते चले जाएंगे। ये कैसे, क्योंकि वो अपने शक्ति जब वो बांटता है तो सेम बट रहा है, स्वयं अपने यहाँ रहते हुए। जैसे कहेंगे ना, भगवान तो मूल रहता है और मूल भगवान जो है फिर औरों में, औरों के रूप में भी, स्त्री पुरुष बीज के रूप में भी डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे जगत में व्याप्त है। यही चीज़ उसके लिए कही गई है, तभी वो कहता है मैं ही हूँ घट घट व्यापी आत्मा। तो जब आत्मा है तो वो जो तुम्हारे कहाँ रहता है, वो हृदय में। हृदय, हर भक्त का जो हृदय वो है गर्भ, इसे बोलते हैं आध्यात्मिक गर्भ। गर्भ जैसे स्त्री में गर्भ है ऐसे, तो वो उस गर्भ में रहता है और पुरुष के गर्भ में, हृदय में रहेगा, स्त्री को दीक्षा है तो स्त्री के गर्भ में रहेगा, और उस गर्भ के कारण जो अगली संतति आएगी उनके माध्यम से उसमें भी संचार चलता रहेगा। इसलिए जितना प्रबल संचार होगा उसका, सिद्ध का, उतना ही वो चीज़ फैलती चली जाएगी। कोई भी मत को देखो, आखिर किसी को 1400 साल हुए, किसी को 2500 साल हुए, किसी को मतलब जैसे बुद्धों का है और रामचंद्र जी का है, कृष्ण जी का है, आखिर ये डेवलप्ड कैसे हैं? तो ये गए नहीं है, जब तो कहते हैं भगवान कहीं नहीं जाता, वो हृदय में निवास करता, हृदय से फैलता चला जाएगा। एक टाइम के बाद होता है जब उसमें, जिसका है ना, जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतार लूंगा। यहाँ सूत्र क्या है, धर्म की हानि का अर्थ होता है कि उसमें जो वो फैला के गया है, जो वो बता के गया है, जो उसने नियम बनाए, उस नियमों में जब लोग अपने नियमों का घुसपैठ कर देते हैं तो वो विकृत होता चला जाता धर्म, वो धर्म अधर्म में बदल जाता। उस धर्म में प्रेम की मात्रा घटती चली जाती है और भय की मात्रा बढ़ती चली जाती है। केवल हम एक प्रकार के आडंबर को लाधे हुए रहते हैं। परिणाम क्या होता है हमारा उस आडंबर से,
कि हमें भय आता है तो हम फॉलो जो उसके जो पूजते हैं पूजेंगे तो सही। तो देखोगे बहुत से कि महावीर स्वामी पूज रहे हैं, बुद्ध को भी पूज रहे हैं, औरों को भी पूज रहे हैं, और लेकिन संग संग जो इधर भी टंट घंट मंट करते फिर रहे हैं, जोशी से भी पूछते फिर रहे हैं। कारण क्या है कि वो अब केवल उसको आडंबर की तरह ओढ़े हुए हैं, उनके फॉलोअर नहीं है सही से। फॉलोअर होगा समझ होगा उसे पूरी तरीके से नियम से कर रहा होगा, कोई सवाल ही ना उसे किसी दूसरे की जरूरत, ये हो गए तो बोर होने लगते हैं। तो बोर क्यों हो गया, क्योंकि उसमें भय आ गया। भय क्यों आ गया, क्योंकि उसमें अब जो प्योरिटी थी, जो अनियम, नियम की जगह अनियम लागू हो गए। क्योंकि अनियम क्यों लागू हो गए, तपस्या कम हो गई, दान कम हो गया, और जो है जो सेवा तप और दान, सेवा खत्म होगी। जब भी कोई चीज़ खत्म हो जाएगी, सेवा खत्म हो जाएगी, तो उसमें उस धर्म में पुरस्कार मिलने बंद हो जाएंगे, प्रोग्रेस होनी बंद हो जाएगी। दान कम होगा तो दान से जो आश्रम है वो धीरे धीरे ढहने लगेंगे, चीज़ें हो जाएंगी, रईसियत खत्म हो जाएगी, रॉयल्टी खत्म हो जाएगी। तपस्या से क्या होगा, सिद्धों की मात्रा जो आगामी सिद्ध हैं वो धीरे धीरे साधक, साधक के बाद और नीचे सिद्धि खत्म हो जाएगी, ये होता है। यही विषय है वो दुर्गा सप्तशती चालीसा पढ़ने वाला और हजार तरीके के गुरुओं का, उसका भी यही मेथड है। वो नहीं खत्म हुई है कि हनुमान जी का प्रताप खत्म हो गया है, रामचंद्र जी का प्रताप खत्म हो गया, प्रताप नहीं खत्म हुआ। बात यह है कि वो उसको सेवा भाव से, तपस्या के भाव से कितना धारण कर रहा अपने अंदर, धारण करने के बाद। और इसलिए दीक्षा है, दीक्षा जो तत्व है वो है शक्तिपात। बेशक गुरु जो वर्तमान में उतना शक्तिपात ना हो, लेकिन वो हृदय से तो आपको दे ही रहा है आशीर्वाद, तो वो हृदय से देती किस, जब ये कहेंगे ना हृदय से दे रहा, गुरु जी दिमाग से मत दो, हृदय से दो। हृदय में ही तो वो रह रहे थे गुरु, वो जो सिद्ध थे, फाउंडर थे, वो उनके हृदय में उठ जाए, उसने बढ़ाई नहीं है, बेशक वो गुरु बना हुआ बढ़ाई नहीं। तो नतीजा क्या होगा, धीरे धीरे वो सिमटनी शुरू होगी, सिमटने पर शुरू होगी। 500 साल लग जाओ, कई हजार साल लग जाओ, 100 साल लग जाओ, 50 साल लग जाओ, वो उस फाउंडर की, उसके ऊपर डिपेंड करता, उसने अपनी ऊर्जा और उसने कितनी कलाओं की अपने अंदर गुणों को पैर प्रकट करा जगत में। जितना ऊंचा अवतार होगा, मतलब अवतार की तो परिभाषा ऊंचे से नीचे से नहीं है, अवतार की अर्थ ही है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण है उनमें भी, हर कला में है नहीं, चाहे उसने वो कला प्रदर्शित नहीं करी सही, लेकिन वो फिर कला कैसे करेगा, जैसे द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य अपने सिद्ध माने हुए, लेकिन उसने जैसे कही क्या नाम द्रौपद ने, तो उन्होंने अपने शिष्य के माध्यम से श्रेष्ठ बना के उसे और उसे पिटवा दिया। तो ऐसे भी होता, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो आपकी आत्मा में रह रहा, आपकी आत्मा के साथ संयुक्त होके आपका, क्योंकि वो विकसित है तो आपकी आत्मा उस विकास क्रम में बढ़ती रहेगी। जैसे ही आप पूर्ण हो जाओगे, आप सिद्ध हो जाओगे, तो आप किस में सम्मिलित हो जाओगे, उसी गुरु की शक्ति में, समझे, आप धीरे धीरे उसी में जाओगे। इसे बोलते हैं कि किस में विलीन हो जाओगे, ईश्वर में। ईश्वर कौन है, वो गुरु, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात परमेश्वर। तो नतीजा क्या हुआ, फिर वो सिमटेगी, क्योंकि सिमटती है भाई, जो चीज़ विस्तृत है फिर सिमटेगी, क्योंकि उसमें सिमटने का कारण मैंने बता दिया, भय का आना है, नियमों का आना, अपनी मनमानी करनी, कुछ जो है सिद्ध जो है जंगल को चले गए, उन्होंने सिखाना बंद कर दिया, वो अपनी तपस्या में लग गए, उन्हें लगा कि हम स्वतंत्र हो जाएं। नतीजा क्या है, वो धीरे धीरे होते हुए बीज के रूप में एक स्त्री के आ जाएगा, वो स्त्री पुरुष जो गृहस्थी है वो उसी का भक्त है। भक्त के हृदय से होता हुआ, उसके कुनबे में से होता हुआ, उस भक्त के हृदय में से होता हुआ, फिर वो गर्भ में संचरित होगा। सबसे कलेक्शन कर लिया उसने ऊर्जा, अब उसका संप्रदाय एक तरह से खत्म हो गया, लोग खत्म होने का मतलब लुप्त प्राय हो गया, छिप गया, उसे बोलेंगे छिप गया, छिप गया तभी तो प्रकट होता है, तो छिप गया वो, इकट्ठा होकर फिर वो ही अपनी पूरी एनर्जी लेके उसके माध्यम से प्रकट हो जाता। बेशक उसके गार्जियन सामान्य हो, उसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो गार्जियंस जो थे वो पीछे से ही उसके भक्त परंपरा में चले आ रहे हैं, तपस्या बंद कर दी, और शेष जो तपस्या लास्ट वो उसी के रूप में, उनके रूप में। जैसे आप कृष्ण जी की माता को देखोगे, पिछले जन्मों के सिद्ध हैं वो, पिछले जन्मों के राजा हैं, तपस्या करके उन्होंने कि भगवान हमारे यहाँ पधारो, अगले जन्म में वो एक नॉर्मल राजा हैं, अपना जो है उनके शरीर में आगे उन्होंने भविष्यवाणी करी आगे, ऐसे अवतार के साथ होता, वो जो है माता को दृश्य दिख रहे हैं, वहाँ ये नहीं दिखाई दे रहा कि जो उनकी माता थी, क्या नाम है तुम्हारा, महात्मा बुद्ध की या महावीर स्वामी की, बड़ी ध्यानी सिद्ध आत्मा, ऐसा कहीं नहीं उल्लेख मिलेगा। सिंपल हैं, रामकृष्ण की परमंश की माता हैं, सिंपल सहज स्त्री हैं, तो उन सहज स्त्री वो उसी कारण के उनके गर्भ से होती हुई, हृदय गर्भ से आके पिता और माता के हिसाब से फिर आता बीज में, और बीज का मिक्सअप होके, इसलिए उसे बोलते हैं स्वजन्मा।
समझे, देखने में गर्व से लग रहा है लेकिन वो स्वजन्मा है, क्योंकि तो उसने अपने को समेटा और समेटते हुए आया और प्रकट हो गया, और उसकी सोल है कलाएँ फिर कैसे प्रकट होती रहती हैं। इसलिए जैसे अब हमारा है तो हमारा चीज़ों को लेके हमारी फाउंडेशन, हमारी माता, ये सब में शुद्ध आचरण है, साधाएँ, पिताजी अपना बाहर पड़े, ये सब करते हुए घर में फिलॉसफी का वातावरण रहा, पहलवानी का वातावरण रहा, सात्विक वातावरण है। खाओ पियो थोड़ा बहुत एक अलग विषय हो गया, लेकिन ज़्यादातर 99% सात्विक है। नतीजा सात्विक में हमारे जो और भाई हैं वो बीड़ी ना इलायची तो छोड़ो किसी भी प्रकार का नहीं है, शुद्ध सात्विक है, सारे के सारे परिवार में सारे सात्विक हैं। सात्विक का मतलब होता है सिंपल रहना, सिंपल अपने अपने में संतुष्ट रहना, जो जिस काम को कर रहा है उसमें वो संतुष्ट है, समझे, तो ये संतुष्टि आती है। तो ऐसे करके वो प्रकट होता है और फिर विस्तार कर देता है उसका। तो लगता क्या है, पहले तो ये मंत्र नहीं था, पहले तो ये सिद्धांत नहीं था, अरे वो सिद्धांत ऐसा तो अचानक नहीं आ गया, इसी का नाम है पुनर्अवतरण, पुनर्जागरण। अब जो ये शब्द है तो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, इसी का नाम है अवतार, नीचे आना। नीचे आना ऐसे है कि वो गया भक्तों में और फिर सिमटता हुआ, विस्तार करता हुआ, फिर वापस विस्तार को समेट के फिर नए सिरे से आता है, शुद्धिकरण। ये है जब जब धर्म की हानि होगी तब जब मैं लूँगा अवतार, ये सेंटेंस है उसका। तो उसी में जैसे मैंने बता दी, एक से एक ऐश्वर्यशील होते हैं, एक से एक योद्धा होते हैं, एक से एक कलाकार होते हैं, और वो क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे जो भी अपने गुरु का नाम, अपने पंथ का नाम, उसका उच्चारण करेंगे, उसके लिए सब काम करेंगे, झूठ भी खूब बोलेंगे लेकिन संग में दान खूब करेंगे। तो उनका झूठ जो है उसके पीछे उनकी फाउंडेशन मजबूत है। फाउंडेशन मजबूत का मतलब है कि वो अपना दान पुण्य कर रहे हैं, उससे उस कर्म को काट रहे हैं, तो उनके अंदर वो शक्ति बनी रहती है। तो लोग कहेंगे तो झूठ बोलते रहे जी, खूब दान करें, अरे झूठ इसका मतलब है दान पे प्रभाव नहीं पड़ रहा झूठ का, तो वो झूठ का हुआ। जिस दिन आप निखाले झूठेले हो जाओगे तो आप दान वान नहीं करोगे, पुण्य वुण्य नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। इसका मतलब आपके अंदर वो श्रद्धा भाव, दया भाव, करुणा भाव, समाज में सेवा का भाव है, तभी आप अपने अनुसार दान कर रहे हो। इसलिए तभी कहा गया है कि आप अगर चालीसा, दुर्गा चालीसा, हजार कुछ भी पढ़ रहे हो, हनुमान चालीसा कोई भी साधना कर रहे हो, उसके साथ पास में कोई मंदिर हो सेवा दे, क्या हो दीपक, ये नहीं कि दीपक भी बस जला के भगी आई, सेवा दो, आप पे पैसा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जब भगवान मतलब आपका जो है जो इष्ट है वो देखता, सेवा दे क्या हो, मन से सेवा दे क्या हो, चालीसा पढ़ते पढ़ते सेवा दो, हनुमान जी की जो है सेवा दे रहे हो, चालीस पुण्य की जो कर रहे हो, चोला चढ़ा रहे हो उनके ऊपर, उसमें चालीसा पढ़ो मधुरता से, ये नहीं इधर उधर देख रहे हैं और उसमें सिंदूर लपेट दिया, फिर चांदी के वर्क लगा दिए, 11 लगा दिए, 21 लगा दिए, तो उसमें प्रदर्शन 21 लगा दिए, 11 लगा दिए, ये सब कर रहे हो, मैं ये लाया, मैं भोग लाया, ना कतई भी तुम में इस तरीके का भावना आ जाए कि मैं कुछ भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान मुझसे करा रहा है, ये गुरु मेरा मेरे माध्यम से करा रहा है, ये रखोगे कभी भी उस संप्रदाय से आउट नहीं हो सकते, जैसे कहते हैं नीचे पतन पतित नहीं होगे, पतन नहीं होगा। और अगर तुम में यह आया मैं कर रहा हूँ गुरु जी का काम, तो आ जाएगा, क्योंकि तुम कर्ता भाव आगे, कर्ता भाव आते ही तुम खुद गुरु होगे, जब गुरु होगे तो गुरु की शक्ति ने काम करना बंद कर दिया, अब तुम में है ही कितनी शक्ति है नहीं। तो इसलिए कोई भी मंदिर में जाओ सेवा दे के आओ, पास में कुत्ते या कोई चीज़ है कभी उन्हें अच्छी तरीके से खूब खिलाओ, ये नहीं है कि मैं तो रोज़ खिलाता हूँ पाव भर खीर, वो चाट के यूँ कह रहे हैं या हमें तो मतलब और चाहिए, तो तुमने कह दिया चल चल हट 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 हट, तो आपने वो दिए दाए बगन, अरे कभी तो उन्हें भरपूर खिलाओ, चाहे चार पिल्ला हों चार कुत्ता हों ना ठीक से खिलाओ, कोई एक दिन आपके इतनी सामर्थ्य नहीं महीने में तो खिलाओ, तो आपके हृदय को भी संतुष्टि होगी, रोटी बना खिलाओ, चलो आपके घर में नहीं है तो चाहे बाजार से रोटी खरीद लो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप टुकड़े की तरह मत गिरो, ले 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 आ जा, ऐसा नहीं, मतलब आप जो है वो तो बदतमीज, मतलब जिसको कर रहे हो वो भी ईश्वर की आत्मा है, आप कहीं ना कहीं अपने अंदर से चीज़ को उसको भेंट कर रहे हो, तहजीब से उसे रखो, जमीन पर धप्पड़ धप्पड़ गेर दिए तुमने, धूल में होगी और देख के चले आए इधर उधर, ये देखते हुए कि लोग मुझे देख रहे हैं मैं फल वल बांट रहा हूँ बंदरों को, ये सब दो तो दो ठीक से, अन्यथा बिल्कुल मत दो, ना दोगे तो अभी तुम कम से कम ठीक है, ना करने से तो वो कहते हैं कि करने से ना करना कुछ अच्छा, लेकिन उस ना करने में एह ना होना चाहिए, भिखारी आए दुत्कार रहे हो, दुत्कारने का एक और अर्थ है कि वो अनावश्यक आप पे प्रेशर बना रहा है, अनावश्यक आपसे, तो आपने कह दी भैया मेरे पे जो बने, फिर भी वो कह रहा नहीं जी मुझे तो घी दे दो, फिर ये चीज़ है, तो उस पर आपने थोड़ा सा कह दिया अरे चल भाई आगे ऊपर थोड़ा सा इस तरीके का, वो चल जाता, लेकिन अनादर करना और उसे इस तरीके कोई भी जो अपशब्द बोलो तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है भाई चल जा इग्नोर कर दो उसे,
ऐसा हो जाता, या फिर ज्ञानी हो तो तर्क से हरा उसे। बहुत पुरानी बात है, जैसे अब चीज़ पे तो लेके एक ऐसी भिखारी आ गया और उन्हें मल कंठे वंटे पहन रखे साधुओं की ड्रेस, मैं कसरत कर रहा उस समय, तो उस समय यही चीज़ आई तो मैंने उसे बुला लिया। वो बोले भाई अरे बला निरंजन बच्चा, और जो है कुछ दान मिलेगा? मैं बोला हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो मैं तेल लगा रहा ये सब मुकदर रख के, तो उसने देख लिया मुझे, पहले समझ गया यार पहलवान आदमी है। फिर मैंने कही महाराज जरा एक मेरे कुछ सवालों का जवाब है, आप जो मांगोगे वो मैं दूंगा जो मेरे पे ग्रस्त से, लेकिन मेरे सवालों का जवाब दो। पहले बताओ ये रुद्राक्ष जो है तुमने क्या पहन रखा है? कह जी पंचमुखी है। मैं इसका मंत्र क्या है, पंचमुखी क्यों पहना जाता है? फिर वो थोड़ी देर पीछे आ गए, मैं तो मतलब कुल मिला के है, मतलब कपड़े क्यों पहन रखे, ये ड्रेस का तरीका क्यों है, पांच घर में क्यों नहीं मांगते तुम पांच घर के अलावा? बाद में कह बेटा जी मैं तो यहाँ खुद जाकर जोगी हूँ, अरे मैं तो वैसे ही मांगने आया। तो आ गया उसका सब काम, तो क्योंकि मैंने कह दी बोला सवाल का जवाब ना दिया तो बुकदर भी देख लिए मेरे पास रखे हैं। तो मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे प्रताड़ित करते, उसे ये दिख रहा है भाई ये जो है सही राइट क्वेश्चन पूछ रहा, राइट क्वेश्चन पूछो। नतीजा क्या हुआ, अपने आप फैल गई कि भाई वहाँ एक दार्शनिक पहलवान रहता एक जो है वही उधर को मत जाना, तो वो जो बेफजूल का भिखारी है वो सब रुक गया चीज़ों पर लेकर। तो ज्ञान से प्राउड का नहीं विषय है, मैं ऐसे कह के प्राउड कर रहा हूँ, आए फिर मैंने दे दी चीज़ें भी दी जो बना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो है किसी भी चीज़ के वृद्धि में और जो सहायक हैं सेवा तप और दान, वो उसको अवश्य बढ़ाओ। केवल निखालस जप करने से, निखालस वैसे कोई वो करने से इनसे नहीं बढ़ती है। सेवा करिए, सेवा के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, दान करिए उसके भी भिन्न भिन्न प्रकार हैं, शिक्षा की वस्तु बांटिए, बहुत चीज़ें हैं कुल मिला के। तो इससे करने से सिद्ध कहीं नहीं जाएगा, सिद्ध हमेशा ऐसे अवतरित होते हैं और फिर वो विस्तारित करेंगे अपनी चीज़ को और फिर ऐसे सिमटते रहते हैं। तो इसी का बोलते हैं अवतरण होना, पुनः पुनः अवतरण, पुनः पुनः धर्म, जब भी धर्म की हानि होगी मैं अवतार लूँगा। सवाल का जवाब मिल गया। तो इसी के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय सत्यम सिद्धाय नमः।